विद्या भारती के विद्यालय ने असम बोर्ड परीक्षा में फिर साबित की योग्यता। राज्य की प्रवीण सूची में शंकरदेव विद्या निकेतन के 8 विद्यार्थी, वहीं विद्या भारती के 4188 विद्यार्थियों ने प्रथम श्रेणी में परीक्षा उत्तीर्ण की। विद्या भारती विद्यालयों का मैट्रिक परीक्षा परिणाम बेहतर होने के साथ ही विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी व अभिभावकों में भारी खुशी देखी जा रही है। विद्या भारती से संबद्ध विद्यालय इस मिथक को तोड़ने में सफल हुए हैं कि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में ही अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस बार की मैट्रिक परीक्षा में विद्या भारती के 302 विद्यालयों से 8776 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे थे। इनमें से 7861 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। सफल परीक्षार्थियों में से 4188 परीक्षार्थियों को प्रथम स्थान, 2696 परीक्षार्थियों को द्वितीय स्थान, 977 परीक्षार्थियों को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम विभाग प्राप्त करने वालों में से 1093 परीक्षार्थियों को स्टार अंक मिला है तो 763 को डिस्टिंक्शन प्राप्त हुआ है। वहीं विषय में 10,427 लेटर अंक मिला है। 6 जून को घोषित परीक्षा परिणाम के अंतर्गत विद्या भारती के 8 छात्रों को राज्य के प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त हुआ है, जिसमें राज्य की प्रवीण सूची में तृतीय स्थान शंकरदेव शिशु विद्या निकेतन बरभा के छात्र ज्योतिष्मन देव वर्मा, 8वां स्थान शंकरदेव विद्या निकेतन रामदिया के छात्र निखिलेश दत्त, 9वां स्थान शंकरदेव शिशु निकेतन ओकाडोंगा के छात्र राजदीप बरुआ, शंकरदेव शिशु निकेतन बाराघाट के मासूम मेहताब व इमोन बैस्या, 10वां स्थान शंकरदेव शिशु निकेतन की छात्रा पूजा बनर्जी, शंकरदेव विद्या निकेतन काम्या के छात्र भार्गव ज्योति दास, क्रीडा शंकरदेव शिशु निकेतन डिपू की छात्रा अलिंदिता कलिता ने प्राप्त कर विद्यालय व विद्या भारती का नाम गौरवान्वित किया है। ज्ञात हो कि पिछले 15 वर्षों से प्रतिवर्ष विद्या भारती के छात्र असम राज्य की प्रवीण सूची में स्थान प्राप्त करते रहे। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असम हेडलाइंस न्यूज़।